हेलो गाइस, वेलकम टू द ऑफिशियल चैनल ट्रेन विद सार्थक। तो मैं बॉडी बिल्डिंग की दुनिया से लेटेस्ट अपडेट लेके आ चुका हूँ। आज हम बात करेंगे सबसे पहले मनोज पाटिल की, जो इस बार एमेच्योर ओलंपिया खेलने वाले हैं। आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, काफी अच्छी कंडीशन है। काफी पहले इनको प्रो कार्ड मिल चुका था, काफी सारी कंट्रोवर्सी के अंदर बीच में घिरे रहे, पर उसके बावजूद भी इन्होंने अभी फिर से कमबैक किया और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार एमेच्योर ओलंपिया में अच्छा परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट अपडेट हमारी ये आ रही है अफरोज खान की तरफ से कि जो बाहर कोरिया प्रो शो खेलने वाले थे, एजीपी प्रो शो, उसको ये कॉम्पिटिट नहीं करेंगे क्योंकि इनका वीजा नहीं लग पाया, जिसकी वजह से ये नहीं बाहर जा पा रहे। तो इन्होंने अनाउंस किया है कि ये इंडिया के अंदर ही भारत प्रो शो खेलेंगे और जितने भी एथलीट्स बाहर से आ रहे हैं उनके साथ कॉम्पिटिट करेंगे। नेक्स्ट अपडेट है हमारी एफबी पिरो सैम की। आप देख सकते हैं कितने ह्यूज, कितने कंडीशनिंग, कितने मसल मास ये कैरी करके घूम रहे हैं। अभी तक इन्होंने कोई सा भी कंपटीशन का अनाउंसमेंट नहीं किया कि कौन से कंपटीशन को ये खेलने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है कि कौन से कंपटीशन खेलने वाले हैं, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी मैं चाहता हूं कि एमेच्योर ओलंपिया जो आ रहा है उसके अंदर पार्टिसिपेट करें और जो बाहर के एथलीट आ रहे हैं उनके साथ कॉम्पिटिट करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे इंडिया से भी कोई ओलंपिया जाए। आप लोग चाहते हैं कि हमारे इंडिया से ओलंपिया जाए तो मुझे कमेंट करके जरूर। नेक्स्ट एथलीट है हमारे अनबीटेबल आनंद, ये सिद्धांत जायसवाल के स्टूडेंट है। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी कंडीशन के अंदर ये दिख रहे हैं, काफी पोटेंशियल है इनके अंदर, काफी टाइम ये चैंपियन रह चुके हैं अदर शोज के अंदर। मैं चाहता हूं कि इस बार भी इतना अच्छा कॉम्पिटिशन दे। देख सकते हैं इनके लैक्स कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितना अच्छा वैक्यूम हिट कर रहे हैं। मुझे तो एक फिजिक बॉडी बिल्डर काफी अच्छे लगते हैं और काफी आगे तक ये जाने वाले हैं, तो मैं तो इनको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूंगा इनके अपकमिंग कंपटीशन के लिए। नेक्स्ट फिजिक अपडेट आ रही है भुवन चौहान की। आप देख सकते हैं इनकी बैक कितनी थिक लग रही है, कितने बैक के अंदर सेपरेशन है। अभी तो एक महीना और बाकी है, देखते हैं कितनी अच्छी अच्छी इंप्रूवमेंट्स की अपनी बैक के अंदर लेकर आएंगे। और अली बिलाल भी क्वालिफाई हो चुके हैं ओलंपिया के लिए, तो इनका बैटल हमें फिर से देखने को मिलेगा। दोनों ही काफी अच्छे एथलीट हैं, दोनों की अंदर ही काफी पोटेंशियल है। देखते हैं इस बार कौन बैंग बैंग करता है और इस बार कौन ओलंपिया की ट्रॉफी लेके जाता है इन दोनों में से। नेक्स्ट अपडेट है हमारी दीक्षांत की तरफ से। ये अपने आप को नेचुरल बॉडी बिल्डर बताते हैं, आज ही एनपीसी सीरीज 2 खेले थे जिसके अंदर इनकी परफॉर्मेंस रही है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इनकी क्या परफॉर्मेंस रही है। पर मुझे एक चीज आप लोगों से ये पूछनी है कि क्या ये आपको एक नेचुरल एथलीट लगते हैं? ये अपने आप को 100% नेचुरल एथलीट बताते हैं। HSF के अंदर भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, वहां भी ये नेचुरली खेले थे। इस बार भी ये कह रहे हैं कि ये नेचुरल कॉम्पिटिटर हैं और इतने सारे इनहेंस एथलीट के सामने भी इन्होंने अपनी थर्ड प्लेस सिक्योर की है। तो आपको क्या लगता है, अगर नेचुरल एथलीट तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं यार, प्लीज इस चीज का जवाब मुझे जरूर देना। बाकी कॉन्ग्रेचुलेशन सिखना ना भूले, क्योंकि इन्होंने ओपन बॉडी बिल्डिंग एंड क्लासिक फिजिक में दोनों में थर्ड पोजीशन हासिल की है। दूसरे कंपटीशन भी ये खेलने वाले हैं, बिग फिट क्लासिक में आपको दिखने वाले हैं, एमेच्योर ओलंपिया में भी दिखने वाले हैं। स्टे ट्यून्ड गाइस। नेक्स्ट अपडेट है हमारी मैन फिजिक एथलीट रवि पवार के बारे में। भाई बहुत अच्छे एथलीट हैं, काफी टाइम ये 3 और 4 पोजीशन पे शेरू क्लासिक के अंदर आते हैं, अभिषेक यादव से एक पोजीशन पीछे ही रहते हैं हमेशा। इस बारे मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा पैकेज लेकर आने वाले हैं। आप इनकी कंडीशन देख सकते हैं, पहले से इन्होंने अपने आप को कितना मसल मास कितना साइज, कितनी चीजों को इन्होंने एड ऑन कर लिया, तो मैं तो काफी एक्साइटेड इनको स्टेज पर देखने के लिए इस बार एमेच्योर ओलंपिया में। नेक्स्ट अपडेट है हमारे तरुण गिल के बारे में, जिन्होंने पूरी फिट इंडस्ट्री के अंदर बवाल मचा रखा है। आप देख सकते हैं इन्होंने शेरू अंग्रेज के लिए क्या बोला और एमेच्योर ओलंपिया में इन्होंने किस किस चीजों को ऑब्जेक्शन उठाया और क्या ये एथलीट्स का मूव ऑन कर रहे हैं, वो सब चीजें इन्होंने इस वीडियो के अंदर बताई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को पूरा देखें। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग। सो अगर आप मुंबई जाने वाले हो IHFF शेरू क्लासिक खेलने के लिए, भाई लाख रुपए अलग रख लो अभी के अभी। तैयारी में जो 5-6-7 लाख रुपए लगा आपका लगेगा, 1 लाख अलग। कैसे? 35,000 होगी इनकी अभी फीस अगर आप अभी अप्लाई करोगे, उसमें टैक्स भी जुड़ चुका है 18%, उसमें 4,000 रुपये NPC की फीस भी जुड़ चुकी है $50, राइट। अब ये 35,000, चलो 40,000 नहीं होती एक महीने के बाद, तो 35,000 के बाद आपका आना जाना मुंबई, टिकट लगा लो 20,000 रुपये की, 20,000 55,000 हो गए आपके। अब आप अकेले तो जाओगे नहीं, ऑब्वियसली एक दो लड़के तो जाएंगे आपके साथ जो आपको सपोर्ट या तो फैमिली का जाएगा या कोई एक तो जाएगा। 40 लगा लो आप, तो जब 20 के 40 हो गए, टिकटें तो दोगे ना, ठीक है 75 ये हो गए। प्लस अब होटल में रुकोगे आप दिन का, मुंबई है भाई, वो कम से कम मरे से मरा मेरे ख्याल से 6 से 8 हज़ार के बीच में लगा, 8,000 आ गया आपका। अब 8,000 × 3 दिन तो रुकोगे आप, राइट, 25,000 ये हो गया, तो 75 + 25 एक। अभी भी वक्त है, अपनी लाइफ मत खराब करो यार इनके चक्कर में। ये पैसा भी लेंगे और मेडल भी नहीं देंगे, और अपना टाइम वेस्ट अलग करोगे और अपनी किडनियाँ, गुर्दे, हर चीज़ खराब कर बैठोगे। मिलना तब भी कुछ नहीं है, आपका कुछ जाएगा नहीं, घर वाले रोएंगे। तो गाइस उनको कमा कमा के मत दो यार, वो अपने लिए कमा लो, अपने घर वालों को दे लो, बहुत ज़्यादा बेटर है।
बॉडी बिल्डिंग छोड़नी पड़ जाए वो ज्यादा बढ़िया है, इनके चक्कर में मत पड़ना बस। तो आपको लगता है भाई ये जो हेमंत है, शेरू है, ये एथलीट की इज्जत करते हैं? ये यार घंटा इज्जत करते हैं, दूसरे साले बेचारे रो रहे हैं, उनके पास खाने को पैसा नहीं है क्योंकि सारे पैसे तो उन्होंने तुम्हें दे दिए, वो वहां पर बेचारे एक चावल की प्लेट नहीं ले सकते क्योंकि पैसा तुम्हें दे दिया उन्होंने, अब कहां से ले, और तुम अपना वीआईपी लाउंज में बैठ के एंजॉय कर रहे हो। तो गाइज इनके चक्कर में मत पड़ो, अगर तुमने अपनी लाइफ सुधारनी है तो।